हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अंकिता पाठक। आज मैं फिर एक नए वीडियो के साथ आई हूं। और यस, ये वीडियो मोस्ट रिक्वेस्टेड था क्योंकि मैंने अपना पार्ट वन का वीडियो अपलोड किया था लिपस्टिक का, और मेरा पार्ट टू वीडियो जो था वो मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं उसे जल्दी शूट करूंगी और अपने यूट्यूब पर अपलोड करूंगी। बट वीडियो को शुरू करने से पहले हम थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं कि जो सिचुएशन बाहर चल रही है, आई बिलीव आप सब ठीक होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो प्लीज़ आप सब अपना ध्यान रखिए। कोरोना वायरस अब दिन पे दिन एक नए नए वायरस आते जा रहे हैं, तो प्लीज़ आप सब घर पर रहिए। अगर कोई काम ना हो तो प्लीज़ बाहर मत जाइए, क्योंकि सिचुएशन बहुत ज़्यादा बुरी चल रही है, बहुत ज़्यादा कि बहुत अलग लगता है कि हर दिन कुछ ना कुछ दुर्घटना हो रही है, जो सुनकर बहुत बुरा लग जाता है। सो बेटर है कि आप सब अपने घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, फैमिली के साथ अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कीजिए, क्योंकि जो हमको शायद वो टाइम नहीं मिला था। हम सब भाग रहे थे, बस अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी थे, और हमें अपना मेरे साथ तो ऐसा होता था कि मुझे बात करने के लिए भी बहुत कम टाइम मिलता था। पहले स्कूल जाना है, फिर स्कूल से पहले वर्कआउट करना है, फिर उसके बाद आने के बाद आपको तो पता ही कि सब घर का काम है, ये फैमिली ज़्यादा हो जाती, बड़ी हो जाती है, तो भी वहाँ पे बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, तो हर किसी का कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है कि जिनके पास। लेकिन यस, ये जो टाइम आपके पास आया हुआ है, इस टाइम को अपने फैमिली के साथ प्लीज़ एंजॉय कीजिए। अपने घर पर रहिए, बिना फिजूल का बाहर मत जाइए, और प्लीज ऑलवेज सैनिटाइज योर हैंड। अगर आप बाहर जाते हैं, मार्केट जाते हैं, मेक श्योर कि आप आने के बाद नहाइए, अपने कपड़ों को चेंज कीजिए, ट्राई कीजिए कि जो आपके कपड़े हैं वो आप डिटॉल के पानी में डालकर रखिए। बिकॉज माय हस्बैंड, वो ही इज अ सिविल इंजीनियर, तो वो बाहर जाते हैं, तो जब आते हैं तो उनके कपड़ों को डिटॉल में डालना है, उसे वॉश करना है। इमीडिएट किसी भी चीज़ों को वॉश कीजिए, उसे रखिए मत, बिकॉज यू नेवर नो कि कौन सी चीज़ कब कहाँ जाकर प्रॉब्लम बन जाएगी। सो बेटर है कि बस अपना ख्याल रखिए और अपने घर वालों का ख्याल रखिए, और घर पर रहिए। बेटर है कि सुरक्षित रहिए घर पर। और ओके, सो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं अपना पार्ट टू लिपस्टिक का, जैसे कि मैंने पिछले पार्ट में आपको शुगर, मैं किसी ब्रांड का यहाँ पे कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, जो मेरा रिव्यू है लिपस्टिक्स को लेकर के वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। नथिंग एल्स, वेरी ऑनेस्टली आई एम जस्ट शेयरिंग फीडबैक विथ यू ऑल, नथिंग एल्स, और कुछ नहीं है। जो मुझे पसंद आया था, जो मुझ पर अच्छी लगती है, मैंने सोचा कि आप लोग भी उसे ट्राई कीजिए। क्या पता कभी कभी व्हाट्सएप पे लोग पूछते हैं कि वो शेड कौन सा था, इंस्टाग्राम पे पूछते हैं कि वो पहले वाला शेड कौन सा था, तो इतना याद नहीं रहता। तो मैंने सोचा कि मैं एक दो पार्ट करके, बहुत सारे लिपस्टिक्स हैं बट पार्ट वन पार्ट टू करके मैं उसे शेयर कर दूं। सो आज जो मेरा टॉपिक है वो है लैक्मी के ऊपर। जो मेरे पास लैक्मी की लिपस्टिक्स है, मैं आपको उसका रिव्यू दे रही हूँ, कैसी है वो, उसका जो कलर शेड है वो कैसा है। सो हम स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा बातें नहीं करते हैं। तो मेरी वन सेकेंड, सो टुडे आई हैव सिक्स लिपस्टिक्स, छह लिपस्टिक्स है मेरे पास। तो मैं आज आपको एक एक करके बताती हूँ जो रिसेंटली मैंने ली हुई है और कैसी है, सब बताती हूँ। और वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बिकॉज इसमें भी आज बहुत अच्छे अच्छे शेड्स हैं। और आज मैंने ये ब्लैक वाला गाउन पहना हुआ है, जो मैंने गाउन पहले ऑलरेडी एक बार पहना हुआ था, बट वो इंस्टाग्राम पे उसके वीडियो को अपलोड किया हुआ है। सो आप इसका लुक देख सकते हैं वहाँ पे जाके, ये बहुत प्यारा गाउन है। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, आई होप कि आपको दिख रहा होगा, ये है लैक्मी 925 लिपस्टिक, और इसका जो शेड है वो है, लेटमी चेक, 20 पिंक पोस्ट। सो मैं आपको फटाफट से इसे लगाकर दिखाती हूँ कि इसका लगाने के बाद लुक कौन सा होता है। ये मैंने एक न्यूड शेड लगाया हुआ है, एज यू कैन सी गाइस। ओके, सो मैं अब इसको रिमूव करके आपको इसका शेड लगाकर दिखाती हूँ ये कैसा लगता है। सो वेट करिए। सो हियर इज द लुक। ये अकॉर्डिंग टू मी दिस वन इज वेरी नाइस।
आप इसको अपने रेगुलर बेस पे भी लगा सकते हैं, मैं इसे बहुत लगाती हूँ, अभी थोड़ी बहुत बची हुई है। येस दिस वन इज़ वेरी नाइस, वेरी ग्लॉसी और मैट लुक भी देती है। वैसे ये लिक्विड नहीं है आप देख रहे हैं तो, ये मैट लुक भी देती है बट सुपर्ब लिपस्टिक है ये। ओके सो अब हम चलते हैं अपनी सेकेंड लिपस्टिक की तरफ और देखते हैं कि उसका शेड कौन सा है। जो सबसे प्यारा वाला शेड है वो मैं आपको लास्ट में शेयर करूंगी, जो मेरा फेवरेट है। दिस वन इज ऑल्सो वेरी नाइस बट और भी है। ओके सो मैंने अपनी फर्स्ट लिपस्टिक को रिमूव कर दिया गाइस, एंड सेकेंड इज लैक्मी एब्सोल्यूट। और इसका जो कलर है वो कॉफी कलर है, एज यू कैन सी फ्रॉम देयर, इसका कॉफी कलर है ये। एंड इसका जो नंबर है वो है 204 बेरी बूस्ट। यस, और ये जो कलर है, ये जो फेयर कॉम्प्लेक्शन होता है, चाहे वो लाइट कॉम्प्लेक्शन हो, उन सबके ऊपर ये कलर बहुत सूट होता है। एंड यू कैन सी इसको भी मैंने काफ़ी लगाया है। यस, आप इसको रोज नहीं लगा सकते, ये थोड़ा सा अलग लुक देता है, तो आप इसको रोज लगाएंगे तो बहुत डार्क डार्क लगेगा। तो आप इसको ओकेजनली लगाएंगे या लाइक पार्टी वगैरह में, लाइक जैसे मैंने अभी ये ब्लैक ड्रेस पहना हुआ है तो उस पर ये बहुत अच्छा लगेगा। सो मैं अभी आप लोग को अप्लाई करके दिखाती हूँ कि ये कैसे लगेगा। सो एज यू कैन सी गाइज, ये थोड़ा सा आपको टमाटो टच देगा बट ये है कॉफी कलर, बिकॉज यहाँ पे तो यही दिखा हुआ है कॉफी, और काफी कुछ लगता भी एकदम ब्राउन शेड में। ये इसका जो टेक्सचर है वो इतना स्मूथ है, इतना क्रीमी है, आई कांट एक्सप्लेन यू। प्लीज अगर आप लेना चाहते हैं तो प्लीज ये लिपस्टिक को पक्का लीजिएगा, ये बहुत बहुत ज्यादा सॉफ्ट है। सी बहुत सॉफ्ट, बहुत क्रीमी टेक्सचर है ये। सो दिस वन इज ऑल्सो माई फेवरेट, एंड ये साड़ी पे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, लाइक ग्रे साड़ी, थोड़ा सा ब्लैक कलर की साड़ी, उस पर ये बहुत अच्छा लगेगा। सो अकॉर्डिंग टू मी दिस वन इज ऑल्सो नाइस। अब हम चलते हैं अपनी थर्ड लिपस्टिक की तरफ, लेट्स सी कि वो कौन सा शेड है। तब तक के लिए मैं इसको रिमूव कर देती हूँ और मैं रेडी हो जाती हूँ थर्ड लिपस्टिक के लिए। यस गाइस, सो हमारा जो नेक्स्ट लिपस्टिक है ये भी है लैक्मी 925, एंड इसका जो कोड है वो है 12, क्रिम्सन कैच लिखा हुआ है। एंड ये भी थोड़ा सा कॉफी टच देता है बट मैं आपको लगाकर दिखाती हूँ और उसके बाद मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ, पहले मैं इसे लगा लेती हूँ। सो गाइज एज यू कैन सी, यस दिस वन इज ऑल्सो वेरी नाइस, बट द थिंग इज कि ये कहाँ पे थोड़ी मुझे कम पसंद आती है कि ये बहुत जल्दी निकल जाती है, बहुत जल्दी निकल जाती है। लाइक अभी आपने लगाया तो ये बहुत अच्छी लग रही है बट हार्डली कुछ देर में ना ये पता नहीं कहाँ से निकल जाती, पता ही नहीं चलता। अदरवाइज मेरी जो लिपस्टिक होती है वो अगर मैं एक बार लगा लूँ तो वो शाम तक, रात तक, जब तक मैं उसे खुद ना रिमूव करूँ वो नहीं निकलती है। बट इसका मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है, क्या पता आजकल मास्क लगा रहे हैं इसके लिए ऐसा होता होगा। बट यस, इसका एक चीज यही है कि और थोड़ा लगाते वक्त इसको थोड़ा रब ज्यादा करना होता है बस, अदरवाइज लिपस्टिक काफी अच्छी है और मैं इसे लगाती हूँ डेली बेसिस पे, है ज्यादा है इसके अंदर। सो आप इसको भी अगर आप लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट लिपस्टिक की तरफ। ओके सो मैंने अपनी वो प्रीवियस लिपस्टिक को रिमूव कर दिया है गाइस, एंड नेक्स्ट है हमारे पास लैक्मी एनरिच की ये लिपस्टिक है, और इसका जो कोड है वो है 56। और ये लिपस्टिक भी बहुत अच्छी है, स्पेशली फॉर पिंकिश, डार्क पिंकिश शेड ये देती है। और मैं आपको बता दूं कि ये साड़ी पे बहुत अच्छी लगती है, जब भी मैं कोई डार्क कलर की साड़ी पहनती हूँ और मुझे कोई भी कुछ नहीं समझ में आए तो मैं इस लिपस्टिक को यूज कर लेती हूँ, बिकॉज इसका जो कलर है वो बहुत बहुत अच्छा है। सो अगर आप इसे बाय करना चाहेंगे तो आप कर सकते हैं, एंड माय ओपिनियन फॉर दिस लिपस्टिक, यस ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग है और बहुत क्रीमी टेक्सचर है इसका और बहुत एकदम क्लासी लगती है ये लगाने के बाद। सो दिस वन इज माय वन ऑफ द फेवरेट लिपस्टिक। सो मैं आपको अप्लाई करके दिखाती हूँ कि इसका लुक कैसे लगता है, अदरवाइज आपको लगेगा अंकिता सिर्फ ऐवे ही बोली जा रही है, बट ऐसा नहीं है। मैं सारी चीजों के बारे में आपको ऑनेस्टली बता रही हूँ, मुझे कोई प्रमोशन नहीं करना है यहाँ पे किसी भी चीज का कि ये ब्रांड ज्यादा अच्छा है वो ब्रांड, नहीं।
हम पैसा दे रहे हैं तो हमें चीज अच्छी ही मिलनी चाहिए। तो मैं अब आपको इसके बारे में बताती हूँ कि इसका शेड कैसा है। एज यू कैन सी गाइस, मैंने कहा था ना, ये हल्का सा ग्लॉस भी है इसके अंदर। जब भी आपको विंटर में लगे कि आपकी लिप्स बहुत ज्यादा ड्राई हो रही है, सो यू कैन यूज दिस लिपस्टिक। और इसको लगाने के बाद जो इसमें से स्मेल आती है वो बहुत अच्छी लगती है मुझे, एकदम हल्की हल्की स्ट्रॉबेरी की आती है। सो माई ओपिनियन फॉर दिस लिपस्टिक 100% आप इसको ले सकते हैं और ये बहुत प्यारी लगती है लगाने के बाद। अब हम चलते हैं लास्ट लिपस्टिक जो मेरी बहुत फेवरेट है, जिसको मैं हमेशा स्कूल जाते समय लगाया करती थी। यानी कि जब भी मुझे कुछ ना मिलता है तो मैं उसे लगा लेती हूँ फिर। और वो अगर आप जैसे आपके घर पे छोटे बच्चे हैं, लाइक मेरे घर पे तेशा है, ईशान भी तो बहुत छोटी है अभी, तो कभी कभार उनकी भी अगर पार्टीज होती है सो आप बहुत अच्छे से उसको भी यूज़ कर सकते हैं, कोई हार्मफुल नहीं है वो। सो चलते हैं उस लिपस्टिक की तरफ। सो अब हम बढ़ रहे हैं अपनी लास्ट लिपस्टिक की तरफ, यानी कि हमारी फिफ्थ वन जो लिपस्टिक है उसकी तरफ, और हम देखते हैं कि उसका कौन सा वाला शेड है और वो क्यों मेरी फेवरेट है इतनी ज़्यादा, क्यों मुझे वो पसंद है इतनी ज़्यादा। और आज थोड़े से हेयर आप लोगों को भी लग रहे होंगे कि बहुत ऑयली से लग रहे हैं, बट इट्स ओके। मैं कैसी लग रही हूँ प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। सो हमारी जो नेक्स्ट लिपस्टिक है वो है 9 to 5 वेटलेस मैट मूस लिप एंड चिक कलर। इसकी स्पेशलिटी ये है और इसका जो कोड नंबर है वो है 19 something 19। आपको मैं इसके बारे में बताती हूँ, पहले आप इसे देख लीजिए, बहुत प्यारा सा कलर है इसका। यस, आप इसको एज अ लिपस्टिक भी यूज कर सकते हैं, एज अ रूज भी यूज कर सकते हैं, और उसके बाद आप इसको लिप पर तो आप लगा ही रहे हैं, चिक्स पर भी आप इसको लगा रहे हैं। ये मैट मूज है ये, और इसकी एक खासियत है कि आप इसको अगर कभी लगाना चाहे बच्चों को, लाइक 6 या 7 ईयर्स बेबी को, तो आप उसको एज अ आई शेडो भी आप इसको यूज कर सकते हैं। इसकी स्पेशलिटी है ये कि ये 3-in-1 ही है, हर चीज में ये काम आता है। सो अब मैं आपको इसका लुक दिखाती हूँ कि कितना प्यारा इसका लुक आता है, और फिर मैं आपको हल्का सा इसको चिक्स पर भी लगा कर दिखाऊंगी कि ये चिक्स पर कैसे लगता है। एज यू कैन सी गाइस, इसका जो पिंक कलर है वो नेचुरली इतना ज्यादा वाइब्रेंट कलर है, इतना ज्यादा कि अगर आपने कोई भी मेकअप नहीं किया हो, कोई भी मेकअप अगर आपने नहीं किया और जस्ट आपने ये लिपस्टिक लगा ली है ना, इससे ही आपका जो कॉम्प्लेक्शन है स्किन का वो बहुत ज्यादा लाइट लगने लग जाता है, बहुत ज्यादा शाइन करने लग जाता है। सो ये था मेरे लिए इस लिपस्टिक के लिए बहुत इवन सी। अब आप क्या करेंगे इसको, अब आप इसको चिक्स पर कैसे लगाएंगे। इसका जो ब्रश है वो बहुत सॉफ्ट है, बहुत ज्यादा सॉफ्ट है। सो आप जस्ट इसको डैप कर लेंगे और उसके बाद इसको, अगर आपके पास पफ है तो आप उससे लगा लीजिए, अदरवाइज इसको आप ऐसे ही रब कर दीजिए बस। आप और भी यूज कर सकते हैं, एक्चुअली मैंने अभी लगाया हुआ है तो मैं इसे बहुत कम लगा रही हूँ। सो ये था, यस 100% अगर आपके पास बेबीज है, अगर आप उसे अप्लाई करते हो किसी पार्टी फंक्शन में, या अगर आपको खुद भी लगाना है अपनी हल्की पिंक कलर की साड़ी में, तो आप इसे बेझिझक परचेस कर सकते हो और लगा सकते हो। यस, सो ये मेरी लास्ट लिपस्टिक थी, मैं आपको दिखा देती हूँ फाइनली जो। ओके, सो हमारी सारी लिपस्टिक के शेड्स मैंने आपसे आपके साथ शेयर कर लिया। सो अगर आपको इसमें से जो भी लिपस्टिक बाय करना है आप 100% बाय कर सकते हैं, 100%। और आपकी उसमें सबसे फेवरेट लिपस्टिक कौन सी थी प्लीज़ कमेंट डाउन में मुझे बताना, मुझे आप लोगों की कमेंट पढ़कर बहुत अच्छा लगता है। इवन आई एम वेटिंग फॉर कमेंट्स कि किसी के कुछ अच्छे कमेंट्स आए और मैं इसको ज़रूर पढ़ूँ और अपने आप को इम्प्रूव करूँ। और मैं न्यू वीडियो किस पे बनाऊँ, ऐसे मुझे काफ़ी लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं कि मैं अपनी डेली रूटीन लाइफ को उनके साथ शेयर करूँ, तो क्या ये शेयर करना इतनी जल्दी मेरे लिए सही है या नहीं है। प्लीज़
प्लीज आई वॉन्ट कॉमेंट इन बॉक्स प्लीज, बिकॉज वीडियो बनाने में एक्चुअली बहुत मेहनत करनी पड़ती है और आपका एक कॉमेंट्स बहुत ज़्यादा बहुत अच्छा फील होता है उसको देख करके। एंड अब तक आपने मुझे जितना भी सपोर्ट किया है प्लीज इस तरीके से आगे भी करते जाइए। एंड अगर आप सो फाइनली फिनिश, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो उसे लाइक करिए, फ्रेंड्स फैमिली के साथ मेरे वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो मैं अपनी आईडी को नीचे मेंशन कर दूंगी, आप प्लीज़ जल्दी से जाइए और मुझे वहाँ पे फॉलो कीजिए, बिकॉज मैं वहाँ पे सुपर डुपर एक्टिव होती हूँ, नए नए रील्स बनाती रहती हूँ, नए नए लाइक लुक को लेकर आती रहती हूँ। तो प्लीज़ जल्दी जल्दी जाइए और मुझे फटाक से वहाँ पे फॉलो कीजिए। एंड प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बहुत स्लो जा रहा है, बहुत इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट कि सब्सक्राइब माई चैनल ओके। और प्लीज़ नोटिफिकेशन भी आपको आते रहेंगे, उसके लिए आपको बेल आइकन को हिट करना होगा ताकि मेरे न्यू वीडियोस आने वाले रहे तो वो आपको पता चल जाए जब आना होगा। और उसके बाद मिलते हैं हम अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, सबका ध्यान रखिए, ज़रूरत ना हो तो बाहर मत जाइए। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लव यू।